मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है, अभी रात हो रही है बाहर, अभी जो है 4:30। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और प्रिशा भी रेडी हो गई है, विवेक गए हुए हैं। आवाज़ ऐसी हो रही है क्योंकि रात को ना हम लोग को सोते हुए आपसे बात होने के बाद भी हम लोग बहुत लेट सोए थे। कुछ ना कुछ काम रह रहा था घर का तो वो निपटा रहे थे, कुछ ना कुछ रखने के लिए भूल गए थे चीज़ें, वो सब रख रहे थे। करते करते हमें 1:30 बज गया था सोते हुए, और 3:15 तो मैं और प्रिशा उठ गए, इसलिए आवाज़ ऐसी हो रही है नींद वाली। ये कितना प्यारा लग रहा है, इसने वही कुर्ती पहनी है नई वाली, दिखा बेटा कैसा लग रहा है। नीचे लेगिंग्स, नीचे लेगिंग्स, प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है बच्चा मेरा। इसने बढ़िया सी चाय बना ली है, इसकी आवाज ठीक है, मेरी आवाज अजीब सी हो रही है, मुझे सर्दी सर्दी सी हो रही है। हम लोग आज वैसे भी लेट उठ गए, तो मम्मी ना सुबह से बहुत मतलब टेंशन लगी थी कि बहुत लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा सब ठीक से, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है और इट्स अ सेल्फ ड्राइव, और ना दोपहर में बहुत धूप लगती है, बहुत धूप लगती है, और आज तो बारिश पता नहीं होगी नहीं होगी, वैसे यहाँ पर वैसे बारिश लगी हुई है। फटाफट छान ले बेटा चाय। हाँ, आपकी मेरी अभी की छान देती हूँ, पापा की रखी अंदर ही। हाँ हाँ ठीक है, अभी तूने ब्रश किया हुआ सब कुछ रख लिया है मैंने ध्यान से, सबकी मेडिसिन रख ली हैं, और जो भी पैकिंग के टाइम पे मैं चीज़ें ध्यान रखती हूँ, सबके आईडी कार्ड्स और जो भी चीज़ें होती हैं असेंशियल सब मैंने, मेरे बाल मैंने काट लिए फिर भी अजीब से हो रहे हैं। रात मैंने धोए थे बाल, धो के सो गई थी क्योंकि मुझे पता था जाने से पहले कोई टाइम नहीं मिलेगा वॉश करने का, और आप लोगों को पता ही चल जाएगा। वैसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग गैस भी कर चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चूड़ियाँ पहननी है मुझे, हाँ मैंने ये लगाया था रात, आपने देख रही था ना, बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्राउन कलर है। क्यों ऐसे हो रहा है पता नहीं, शाइन पता नहीं कहाँ चली गई। चलो निपटा लेते हैं सारा काम फटाफट और निकलते हैं। यहाँ पर इसकी बुक्स पड़े हुए हैं सब, और पूरा घर वैसे थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है, लेकिन थोड़ा तो ऐसे रह जाता है जाते जाते भी। बहुत टाइम से जाने का मन था यहाँ पे जहाँ हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन हर बार कैंसिल हो रहा था, हर बार कैंसिल हो रहा था, फाइनली वी आर गोइंग। और चलिए फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, और हम आए थे यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ये देखिए विवेक अपनी गाड़ी साफ़ करने लग गए थे, क्योंकि घर से निकलने से पहले फटाफट जल्दी में हम लोग निकल गए, और टाइम ऐसे था निकलने का 5:30-6 के बीच हम निकले, तो पहले अंधेरा था और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइट हो रही थी। और इस टाइम का ट्रैवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे तो नाइट ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी कि कल रात ही हम निकल जाते तो कितना अच्छा रहता, पर वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ विवेक रात भर ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब उनसे मैं ड्राइविंग नहीं करवा सकती क्योंकि हम सेल्फ ड्राइव में निकले हैं। मैंने इन्हें कहा भी था कि हम साथ में ड्राइवर ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मैंने बहुत समझाया बट बोले मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा, एक्चुअली थोड़े हार्ट इश्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पे बादल बहुत थे, हम अप्रॉक्सीमेट सूरत के आसपास हैं जब बहुत बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बरसेगा, ज़ोर से बरसेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अहमदाबाद की तरफ मूव हुए ना, मतलब आगे बड़ौदा की तरफ, वैसे वैसे धूप निकल आई थी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ लोगों को आइडिया भी आ गया होगा वैसे। तो क्या टाइम हो गया जी, प्रिशा टाइम बताओ। अभी इट्स 7:20 और हम कहाँ पहुँचे हैं, सूरत से आगे। हम सूरत से आगे निकले थे, कामरेज चार रस्ते से भी आगे, और यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा रोड खराब है, रोड बहुत खराब है, बहुत ही रोड हाईवे खराब है, सोचा नहीं था। नेशनल नंबर 8 हाईवे बिजिएस्ट हाईवे, यानी मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें रोड में बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, और सीरियसली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गुजरात में ऐसे, लेकिन ऐसा किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है रोड का, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहा है। गलत बात, खड़े हैं हम लोग यार, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। कोई वो है क्या, टोल टैक्स है क्या यहाँ पे? अब ना मन कर रहा है कप चाय पीने का, आई एम वेटिंग कि जल्दी से वो जगह आए जहाँ पे हमेशा हमें चाय बुलाते हैं। देखिए गाइस, हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, फंस गए हैं, वेट कर रहे हैं। सूरत के आसपास बारिश जैसा था बट अभी धूप निकली हुई है, बट सूदिंग लग रहा है।
जबरदस्त ट्रैफिक के बीच इतना ज़्यादा कंटाला आ रहा था, लेकिन करें क्या भाई, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगभग हम यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक स्टक रहे गाइस, बहुत कंटाल गए थे। लेकिन फिर जाके हमें एक सोल्यूशन मिला कि एक साइड का रास्ता था जो हमें भी नहीं पता था, वो रास्ता हमें किसी ने बताया और हमने साइड से कट मार लिया। वो रोड थी बहुत ख़राब, लेकिन थैंक गॉड कि हमें 1-1.5 घंटे बाद एक रास्ता मिला निकलने के लिए। तो वहाँ से होके हम लोग फिर हाईवे पे निकल आए थे। मसाला का डोसा है, सब कंटाल चुके हैं यहाँ पे। तो दोबारा से सब इसलिए कंटाल गए थे क्योंकि आगे फिर से हम एक जगह पे ट्रैफिक में 15 मिनट फंस गए थे और फाइनली हम पहुंचे। चलो भी चाय नाश्ता कर लें क्योंकि घर से निकले बहुत देर हो चुकी है और ट्रैफिक में लगभग 1.5 से 2 घंटे फंसने के बाद अब कुछ मन कर रहा था कुछ खा लिया जाए, पी लिया जाए। तो ये ऑनेस्ट करके एक आउटलेट है भरूच से पहले या भरूच के बाद, आई थिंक वहाँ पर हमने कुछ लिया था, फाफड़ा और मेथी का गोटा। ये सब हमारे गुजराती नाश्तास हैं, जो गुजराती लोग हैं वो तो देख के समझ ही गए होंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मा गर्म चाय के साथ, बहुत मज़ा आ जाता है। और फिर हम निकल पड़े वापस से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, हमारी मंजिल की तरफ। और बहुत ही प्यारी मंजिल है जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, आप भी आगे देख लेंगे। तो बाकी का रास्ता जो था पूरा धूप वाला था, काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। गाड़ी के अंदर तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि एसी था, लेकिन बाहर काफ़ी गर्मी थी। और जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तब सिटी में जब हमारी बात हुई हमारी सिटी में कुछ लोगों से, तो सब ने बताया कि बहुत बारिश थी। यानी हम हमारे सिटी में नवसारी में बहुत सारी बारिश छोड़ के यहाँ गर्मी में आए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे मकसद से आए हैं और आप लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी। तो समझ गए ना आप मैं कहाँ पहुँची हूँ। गुजराती में लिखा हुआ था सारंगपुर, जी हाँ मैं आई हूँ कष्टभंजन हनुमान देव के स्थल पे। और बस अभी वहाँ के आपको दर्शन करवाऊँगी और आप इसे हल्के में मत लेना। ये जो मंदिर है इसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों की यहाँ पे आके दूर होती हैं, चाहे वो रोग हो, दोष हो, प्रेत आत्मा हो या कुछ भी हो, किसी के साथ कोई भी परेशानी हो, यहाँ आके सब कुछ दूर हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पे, सारंगपुर महाराज के यहाँ पे कष्टभंजन देव, कष्टभंजन हनुमान देव के मंदिर में, जहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे। और आने के बाद अभी शाम के कितने बजे हैं विवेक, टाइम क्या हो रहा है? 6:10 है। हम लोग पहुँचे थे कितने बजे? 2:30-3 बजे पहुँचे थे। आते ही सबको इतनी नींद आ रही थी क्योंकि रात सिर्फ 2 घंटे ही सोए थे, तो फिर सो गए थे आते ही। देखो बिस्तर भी सब ऐसे वैसे हो रहे हैं, सब सो के उठे हैं। 5 वाला बेड मिल गया था वो ले लिया था, तो सो गए थे सब लोग। अभी जस्ट सो के उठ के मैं मुँह हाथ धो के रेडी हुई हूँ क्योंकि आरती करने जाना है, दर्शन करने जाना है। आने के बाद हमने कोई दर्शन नहीं करे थे, डायरेक्ट सोए थे हम लोग। इनफैक्ट हमने लंच भी नहीं किया था, यहाँ आने वाले थे हम लोग। इनमें हमारी बहुत आस्था है और कुछ दिनों से आप भी देख रहे हो क्या चल रहा है घर में, कुछ ना कुछ ऐसा, तो मुझे लगा दर्शन करके आना चाहिए। और इनफैक्ट इसीलिए नहीं, हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे आना चाहते थे लेकिन बार बार कैंसिल हो जा रहा था, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और मैं दर्शन करने जाने के लिए तैयार भी हो गई हूँ। तो मैंने ये सूट पहना है और इसके साथ में मेरे लेगिंग्स ग्रीन कलर के और ग्रीन चुन्नी, देखती हूँ मिली तो नहीं ग्रीन चुन्नी आते हुए, लेकिन एक मल्टी कलर चुन्नी मिल गई थी आते हुए, वो मैंने रख ली हुई है, तो वो शायद मैं भी डालूंगी। बालों भी ठीक करने बाकी हैं और विवेक तैयार है, अभी तैयार है, अभी ने कफ नहीं पहना है। प्रिशा तैयार हो रही है अंदर, गुस्से में आ गई है, नींद से उठाया ना, ऑब्वियसली थकी हुई थी वो भी, रात को सब लोग 3-3 घंटे सोए हैं, मैं 2 घंटे सोई थी तो मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। ये वही कुर्ती जो मैं आपको दिखाई थी आने से पहले, है ना, सुंदर लग रही है ना। शाम की आरती यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है और 2 बार आरती होती है, एक बार आई थिंक अभी होती है, एक बार होती है 7-7:30 बजे के करीब। एंड चाय का क्या इंतजाम है? चाय रूम पे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं आती, ये ना मंदिर का ही वो है, क्या बोलेंगे इसे, परिसर नहीं, मतलब इसको कहेंगे क्या जहाँ हम रुके हैं, ये परिसर है मंदिर का, धर्मशाला है, लेकिन एसी रूम्स है, अच्छे रूम भी है, सिंपल रूम भी है, हाँ दोनों तरह के रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे। एंड जो अगर आप लोग भी कभी आना चाहते हो तो ये कौन से सिटी में पड़ता है, सारंगपुर तो है लेकिन पास में, मतलब दिस इज नॉर्थ गुजरात, हाँ नॉर्थ गुजरात, आप इसे नॉर्थ गुजरात कह सकते हो। हम साउथ गुजरात से आए हैं, हम लोग सुबह निकले थे 5:45 बजे निकले थे वहाँ से और हम यहाँ पे आके लगे थे 1 घंटा, चूँकि हम ट्रैफिक में भी फंसे थे, हम 2:30 बजे आके लगे थे, तो 1 घंटा माइनस कर लो, उतना टाइम लगता है आने में। आँखें अभी भी नींद वाली हो रही हैं। चलो दर्शन करने चलते हैं, फिर आके बाकी की बातें करेंगे, पहले आपको दर्शन करवाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। अभी जब से आए हैं तब से चाय भी नहीं पी, बहुत मन कर रहा था चाय पीने का लेकिन थकान इतनी थी कि बस बिस्तर दिखा आने के बाद
किसी से भी चाय पीने के लिए बाहर नहीं जाया गया, ना लंच करने के लिए, ऐसे ही हम सो गए थे। तो अब चाय पियेंगे और ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये भगवान के दर्शन के लिए ही लाई थी, मैंने आपको बोला भी था कि मैं जा रही हूँ तो मैं ये नया वाला सूट लेके जाऊँगी शायद, तो मैं भगवान के दर्शन के लिए लाई थी। मैं कहा चलो नया है तो फिर भगवान के दर्शन यही पहन के कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, गन्नू अप्पा, वो बैठे गन्नू अप्पा। दिशा बराबर नहीं है, बाहर ही रख रहे थे लेकिन दिशा बराबर नहीं है इसलिए अंदर रखा है गन्नू पापा को। विवेक लेके जाएंगे आरती के टाइम पे पापा को, नहीं ना कार, कैसे लेके वहाँ पे लेके जाना, तो लेके जाए ना, लेके जाएंगे। तो आप लोग भी कभी अगर यहाँ पे आना चाहते हो, इस मंदिर का बहुत इम्पोर्टेंस है। और जैसे कि एक जो हनुमान जी का टेम्पल है वो मेहंदीपुर बालाजी में है, वो तो बहुत ही ज़्यादा उसका तो मतलब बहुत ही सत्य है, यहाँ का भी बहुत सत्य है। हमें यहाँ के बारे में हमारे पड़ोसियों ने बताया था, है ना, नीचे रहते हैं वो लोग, तब से हमारी बहुत इनमें क्या बोलते हैं आस्था हो गई है और हम बहुत ट्रस्ट करने लगे हैं इनमें। रूम काफ़ी बड़ा, देखो ये दो बेड, थोड़ा सा ऐसे वैसे हो रहा है क्योंकि आँखें सब आराम कर रहे थे। ये प्रिशा का ब्रेड, ये वो प्रिशा का, ये अभी का मेरे बाजू वाला, मैं यहाँ सोई थी। यहाँ पे एक विंडो भी है और बालकनी भी है छोटी सी। मेन थिंग है कि एसी है क्योंकि गर्मी बहुत ही, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग को रूम मिला है। काफ़ी बड़ी सी बालकनी भी है यहाँ पे। तो ये कहने के लिए धर्मशाला है लेकिन ये होटल से कम नहीं है, बहुत ही बड़ी है। और मंदिर का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है गाइज। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तब मैंने आपको दर्शन करवाए थे। और हमेशा यहाँ के कुछ ना कुछ हमारे साथ चमत्कार ज़रूर होता है। मैं आपको बोलूँ तो मंजिल पे पहुँचने के बाद बड़ी अच्छा, बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ होते हैं रोज़ चमत्कार। जी हाँ, मतलब मैं सच बता रही हूँ, जो लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे वो समझ गए होंगे। एक तो मेहंदीपुर बालाजी जो कि राजस्थान में है और एक है ये कष्टभंजन हनुमान देव का मंदिर सारंगपुर में जहां मैं आई हूं। ये दोनों ही मंदिर की बहुत मान्यता है, किसी की जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, बड़ी परेशानी, चाहे वो बीमारी हो या पैसे की परेशानी हो या कोई और समस्या आ गई हो, यहां पे दर्शन करके सब कुछ परेशानी दूर हो जाती है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ आते ही एक चमत्कार हुआ है, वो जो पिछली बार प्रिशा के साथ भी हुआ था। लास्ट ईयर जब मैं आई थी आपको याद होगा, प्रिशा कुछ खा नहीं रही थी और यहाँ आके वो अचानक से खाने लग गई थी। तो मैंने टाइटल भी दिया था व्लॉग को कि भाई यहाँ आते ही एक चमत्कार हुआ, जो कि मेरे साथ इस बार फिर से हुआ। मुझसे भी कुछ ठीक से खाया नहीं जा रहा है बहुत ही दिनों से। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में आई और जब रात को मैंने यहाँ पर डिनर किया तो मैंने बहुत महीने के बाद मैंने ठीक से खाना खाया और बहुत अच्छे से खाया और मुझे खाना खाने में टेस्ट आया, नहीं तो मुझे टेस्ट आना बंद हो गया था जब से मैं बीमार हुई थी एक डेढ़ महीने से। तो ये बहुत ही चमत्कारिक जगह है गाइज, इसे आप अगर मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ तो दिल से दर्शन कर लेना और दिल से एक बार कह देना कष्टभंजन हनुमान देव की जय। तो ये जो है मंदिर का पूरा परिसर है, अंदर ही धर्मशाला है जहाँ हम रुके हैं और वहाँ से चलते चलते ही सामने आपको मंदिर दिख रहा है। मैं आपको भी पास से भी दिखाती हूँ, जिन लोगों ने लास्ट ईयर दर्शन ना करे हों वो यहाँ पे कर लें। मैंने यहाँ पे जो दान करना था वो भी कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअली 10,000 से 15,000 लोग सुबह रात दोनों टाइम खाना खाते हैं, टोटल यहाँ पे भंडारा चलता है पूरा टाइम, यानी आप समझ लो कि कितनी मान्यता होगी इस मंदिर की। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ के पीछे की साइड चाय वाले खड़े थे तो हमने सोचा पहले एक एक कप चाय पी लेते हैं क्योंकि जब से हम घर से निकले हैं ठीक से चाय नहीं मिली है। और नक्काशी देखिए क्या हो रखी है, ये मंदिर का बैक साइड है। तो मुझे तो मंदिर वगैरह जाना गाइस बहुत अच्छा लगता है और ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहिए। देखिए उसने हमें ये जीवन दिया है, ठीक है, भगवान का दिया हमारा ये जीवन है और जो भी आज हमारे पास है, हम क्या हैं, कुछ नहीं, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसी ने हमें नवाजा है तो उसका उसी को अर्पण ना, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। श्री कष्टभंजन देव सत्य छे, यानी कि श्री कष्टभंजन देव सत्य हैं ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से मंदिर की एंट्री है। तो चाय वाय पीने के बाद हम लोग आ गए थे अब शाम की आरती अटेंड करने और आप देखो भीड़ काफ़ी है, लेकिन फिर भी अच्छा है हम श्राद्ध में गए तो कम भीड़ मिली, नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं होती पाँव रखने की। और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप सीलिंग देखिए और मंदिर मैं आपको सामने भी दिखाती हूँ। तो ये है हनुमान देव का मंदिर, हनुमान जी आपको सामने दिख रहे होंगे, करीब से भी मैं दिखा दूँगी और एक फ़ोटो भी यहाँ पर मैं लगा दूँगी उनका, जिससे कि आप प्रॉपर दर्शन कर सकें हनुमान जी के। और इस मंदिर में आप ये जो देख रहे हैं ना येल्लो पार्ट, ये पूरा गोल्ड है, 45 kg गोल्ड लगा हुआ है और जो उनके सामने गदा रखी हुई वो भी सॉलिड गोल्ड की है। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं, बाकी तो आपको सभी को पता होगा कि हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो रोग दोष सारे संकट कट जाते हैं।
तो हम लोग भी बस यहाँ साइड पे, देखिए मैं खड़ी थी क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा हम लेट हो गए ना चाय पीने में, तो पूरा मंदिर जो है भर गया था आरती के लिए। और यहाँ पे आप किसी भी टाइम आ जाओ, आपको इस मंदिर में अंदर एसी ऑन मिलेगा। और फिर लास्ट में हमें यहाँ बैठा दिया था। चलो थोड़ा सा हम आगे बैठे थे, साइड पे थे पर थोड़ा आगे बैठे थे। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, पर चिंता मत कीजिए, मैं तो अभी यहाँ पर 2 दिन हूँ तो मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी अच्छी तरह से। रात के दर्शन भी करवाने वाली हूँ। रात को जब उन्हें सुलाते हैं ना, तो मतलब भगवान को जब सुलाते हैं तब के दर्शन बड़े प्यारे होते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊँगी। और अब मैं आपको यहाँ की आरती सुनवाने वाली हूँ। तो जब आरती होती है ना, उससे पहले इस तरह से एक कर्टेन डाल दिया जाता है भगवान के आगे, और उस कर्टेन पे भी भगवान ही साक्षात मौजूद हैं। आप देख सकते हो कर्टेन बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये कर्टेन डाल देते हैं और इसके बाद फिर कर्टेन उठता है टाइम पे और फिर आरती शुरू होती है। तो अब आप आरती में आपको सुनवाती हूँ अभी वहाँ पे किस तरह से आरती होती है, वो पूरा आप सुनिए तो थोड़ा सा आपको भी वो मिले ना फ़ायदा। गाइज यकीन मानिए, इतना आत्मा को शांति मिली है यहाँ पे आरती करके कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार ज़िंदगी में ज़रूर दर्शन करने जाना, आपके जीवन के संकट भी मेरे जीवन के संकट और परेशानियों की तरह कट जाएंगे यहाँ जाके, सच बोल रही हूँ। ये बाहर इस तरह से ना घास पे इस तरह से रखा लिखा हुआ था सारंगपुर, श्री सारंगपुर धाम। और ये देखिए, हम डिनर करने गए थे, यहाँ भंडारा चलता है सुबह शाम दोनों टाइम। डिनर के बाद एक और दर्शन लास्ट में होते हैं जो उनके सोने वाले दर्शन होते हैं, यानी जब वो सोने वाले होते हैं ना भगवान, तब उनका कैसा श्रृंगार करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखते ही बन रहा था उनका ये रूप, इतना सुंदर उनको सजाया था सोने के लिए। देखिए उनको रामचंद्र भगवान जी की चादर दी है, श्री रामचंद्र भगवान जी की चादर दी है, उनकी पगड़ी पिंक कलर की पहनाई है। उनके सोने से पहले वाले दर्शन कर लीजिए आप, तो फोटो भी मैं साथ में रखूंगी ताकि आप प्रॉपर दर्शन कर सकें। ये देखिए यहाँ पे, और साइड पे आप देख रहे हैं पूरा गोल्ड लगा हुआ है। लोगों की बहुत आस्था है इस मंदिर में, और इस मंदिर में कुछ तो शक्ति है, ये मैं हर बार महसूस करती हूँ। बस इसीलिए आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि भाई किसी को कोई परेशानी है भैया जाके आना एक बार आप। और ये है वहाँ बाहर का रात का आउटसाइड का व्यू। तो हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे थे, फिर खाना हम खा चुके थे और भंडारे में ही खाया था मैंने मंदिर के, और बहुत ही टेस्टी भंडारे का खाना था। बाकी की बातें मैं आपको रूम में जाके बताऊंगी इस मंदिर के बारे में विवेक के साथ बैठ के। और अब बहुत थकान लग रही है, नो डाउट हम दिन में आते ही सो गए थे पर थकान तो लग रही है क्योंकि हम सुबह जल्दी के निकले थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात का मंदिर का लुक। तो हमारे दर्शन हो गए अभी, बहुत अच्छी तरह से हो गए, 9 बजे हुए रात के, खाना भी खाया हमने यहीं पर, यहीं भंडारा होता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है ना, और बहुत स्वादिष्ट होता है वो, भगवान का इसलिए स्वादिष्ट तो लगेगा ही। लगता है सुबह शाम, सुबह में 10,000 शाम को 10,000 लोग खाना खाते होंगे आराम से। इतना टेस्टी खाना था, आलू की सब्जी थी, गुजराती खिचड़ी कढ़ी, गुजराती रोटी और हलवा था सीरा, मतलब सूजी का हलवा, अभी प्योर घी का। बहुत अच्छा खाना लगा। उसके बाद हमने वापस से एक बार दर्शन किए, मम्मी को वीडियो कॉल की, देन हमारी मधु भाभी को वीडियो कॉल की। उन्होंने कहा था मुझे कि वहाँ जाओ तो वीडियो कॉल कर देना। खाना इतना अच्छा लगा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने आते हुए भी रास्ते में हम लोग रुके थे तो बच्चों ने सबवे पे बर्गर खाया था क्योंकि मतलब जो नॉर्मल फूड होता है वो रास्ते में अच्छा नहीं मिला था, लेकिन मैंने वो भी नहीं खाया था। यहाँ के भी हम लोग ऐसे ही सो गए थे,
लेकिन ये खाना खाया ना तो आत्मा तृप्त हो गई है ना। बहुत अलग एक टेस्ट होता है भगवान के यहाँ पे खाना खाने का, और इतनी सुकून हुआ है। हमने दोबारा दर्शन किए, शाम को आरती की, उसके बाद खाना खाने के बाद डिनर के बाद वापस से द्वार खोलते हैं, तो तब हम लोग आधा घंटा भगवान के सामने बैठ के हमने हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना तरह तरह के दान होते हैं, जैसे अन्नदान करते हैं कुछ लोग, मतलब अन्नदान के फंड में जाता है वो पैसा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, तो हम लोगों ने जो करना था वो कर दिया है यहाँ पे आके, जो भी हमें देना था हमने दे दिया है। एंड बस अब इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, क्योंकि आंखों में देखो थकान दिख रही होगी, हम लोग काफ़ी थके हुए हैं। बच्चे दोनों पानी की बॉटल लेने गए हैं, नाइट ड्रेस में मैं आ चुकी हूँ, मुँह हाथ धोना बाकी है, बस अभी मुँह हाथ धो के अब सो जाएंगे, क्योंकि हमें सुबह उठना है 5 बजे, 5:30 बजे मैं और विवेक वापस मंदिर जाने वाले हैं। ये जो हम जो रुके हैं ना मंदिर के अंदर ही है ये, सुबह उठेंगे नहाएंगे धोएंगे और फिर से हम दोनों 5:30 बजे मंदिर जाने वाले हैं, दर्शन भी करेंगे और पूजा भी करनी है, और अगर चलो सुबह सुबह की आरती अटेंड कर लें, सुबह सुबह के दर्शन कर लें कल जाने से पहले, फिर कल निकल जाएंगे घर पे। Yes. तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दर्शन करके, और मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैंने शूट किया, भीड़ बहुत रहती है, ज़्यादा रुकने नहीं देते वो लोग, लेकिन रात को हम लोग स्पेशल शूट करने गए थे, उनको रामचंद्र भगवान जी की चादर उठाई थी, उनके रात के दर्शन थे, वो रात को सोने के लिए उनको रेडी किया था, बहुत अच्छा लगा गाइस। तो मैं शूट किया है वो दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ काफ़ी थक गए हैं ये, बहुत ड्राइव किया ना इन्होंने, तो इन्हें जल्दी सुला देना है क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है। मेरा प्रॉब्लम है कि नई जगह में मुझे नींद नहीं आती है, नींद करूँगा। गुड नाइट गाइस, लव यू, बाय। कभी फ्यूचर में टाइम अगर आपको चांस मिले तो आप आना यहाँ पे दर्शन करने के लिए, इस भूमि में बहुत क्या बोलते हैं तो मैजिकल भूमि है ये, मैजिकल चमत्कार है, यहाँ पे साक्षात हनुमान जी का यहाँ पे वास है, तो कभी भी अगर आपको चांस मिले तो आप प्लीज इधर आना। यहाँ की कहानी क्या है? क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ की कहानी, हम पूछ लेंगे कल, लेकिन देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सिस्टमेटिकली काम चलता है यहाँ पे, सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत सुकून हुआ है आत्मा को, मतलब जितना ज़रूरी देखो घूमना फिरना होता है ना, उतना ज़रूरी भगवान के दर्शन करना भी उतना ही ज़रूरी yes. है। घूमना फिरना तो होता ही रहेगा, पर अगर हम भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल सके तो हम कहें कि वो इंसान है ना, वो है तो हमारा वजूद है। बहुत शक्ति है इस मंदिर में सारंगपुर, बहुत बहुत। कष्ट भंजन सारंगपुर हनुमान देव की जय। जय। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।